राज्यपाल के मुलाकात करने पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधि मंडल। सतीश मिश्रा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने पहुंचे भाजपा प्रतिनिधि मंडल। जी हां, भाजपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा का बयान, जो निर्दोष लोग हैं उनकी रिहाई को लेकर राज्यपाल से मुलाकात हुई है। जिन लोगों ने हिंसा की है उन लोगों को सजा जरूर मिले, लेकिन कोई भी निर्दोष परेशान ना हो। राज्यपाल ने ज्ञापन लेने के साथ ही आश्वासन भी दिया, प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को 25 से 50 लाख मुआवजा दिया जाए। जेएनयू में हुई घटना की हमारी पार्टी निंदा करती है। जिन लोगों की इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित किया जाए। बहुजन समाज पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। लखनऊ से हमारे संवाददाता आदित्य सकील के। भाई फोन पीछे कर लो थोड़ा। उन्होंने एक ज्ञापन हम लोगों के माध्यम से देने के लिए भेजा था। आज हम लोगों ने मन कर ज्ञापन को उनको दिया। ये ज्ञापन आपके सामने है और उसको को लेकर के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरे प्रदेश में देश में आंदोलन था, प्रदेश में भी था। उसमें कई निर्दोष लोग जिनका कोई गलती नहीं थी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग मर गए और परेशान हो रहे हैं, आज भी परेशान किए जा रहे हैं। तो इसके हम लोगों ने ज्ञापन में ये अनुरोध किया, ये सब बातें लिखते हुए जो ज्ञापन आपके सामने है उसमें अनुरोध किया है हम लोगों ने, बहन मायावती जी ने अपने इस ज्ञापन में, कि ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को जिनको अभी भी जेलों में बंद कर रखा है उनको तुरंत रिहा किया जाए, इसके संबंध में एक न्यायिक जांच बैठा ली जाए और जो दोषी लोग हैं चाहे पुलिस के लोग हों प्रशासन के लोग हों उनके खिलाफ़ फिर सख्त कार्रवाई की जाए। जो तोड़फोड़ में लिप्त हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, लेकिन जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था और उनको प्रताड़ित किया गया, तो उनको तुरंत रिहा किया जाए, इसकी न्यायिक जांच हो। और जो लोग मर गए हैं इसमें, जो इस आंदोलन के दौरान में और जिनकी हत्या हो गई या जो मर गए, तो उनको एक उचित मुआवजा सरकार तुरंत दे, इस बात की हम लोगों ने उनसे डिमांड की।